नमस्कार, आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामिंग, जिसे हम अंग्रेजी में लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं, वह आरंभ करेंगे। आइए सबसे पहले ऐतिहासिक टिप्पणी पर गौर करें। दूसरे विश्व युद्ध में रैखिक प्रोग्रामिंग विधि अस्तित्व में आई। रैखिक प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में प्रथम प्रोग्रामिंग का सूत्रपात रूसी गणितज्ञ एल कैंटोरविच तथा अमेरिकी अर्थशास्त्री एफ एल हिचकॉक ने 1941 में किया। दोनों ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया। इस प्रोग्रामिंग को परिवहन समस्या के नाम से भी जाना गया। 1945 में अंग्रेज अर्थशास्त्री जी स्टिगलर ने रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के अंतर्गत इष्टतम आहार संबंधी समस्या का वर्णन किया। रैखिक प्रोग्रामिंग विधि पर प्रारंभिक कार्य करने के कारण 1975 में एल कैंटोरविच और अमेरिकी गणितज्ञ अर्थशास्त्री टीसी कुपमेंस को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। परिकलन तथा आवश्यक सॉफ्टवेयर के आगमन के साथ कई क्षेत्रों में जटिल समस्याओं के, जो रैखिक प्रोग्रामिंग प्रविधि है, अनुप्रयोग के उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो आइए आज इस सत्र में हम इसी के बारे में जानेंगे। और इस सत्र में हम क्या क्या देखेंगे? रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, साथ ही समस्या का गणितीय सूत्रीकरण। अब आगे सबसे पहले इसकी भूमिका पे गौर करें। 11वीं कक्षा में हमने रैखिक असमीकरणों के निकाय और समस्याओं को हल करने की आलेख्य विधि के बारे में सीखा है। इन्हें रैखिक प्रोग्रामिंग की मदद से कुछ वास्तविक जीवन की जो समस्याएं हैं उसमें भी लागू किया जा सकता है। रैखिक प्रोग्रामिंग दो शब्दों, यानी रैखिक, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीनियर, और प्रोग्रामिंग का गठन है, जिसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वे दिए गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों के इष्टतम आवंटन का निर्धारण करने के साथ संबंधित है। जैसे कि कुछ उद्देश्य क्या हो सकते हैं? अधिकतम लाभ ज्ञात करना, उत्पादन में लागत को कम करना, परिवहन मार्गों में लागत को कम करना, और भोजन संतोषजनक पोषण मूल्यों आदि का इष्टतम संयोजन देखना। और इसके अंदर जो रैखिक है, यानी लीनियर, उसका तात्पर्य क्या है? उसका अर्थ है जो शामिल चरों हैं उनके बीच संबंध हमारा रैखिक है। ठीक, तो आगे देखते हैं। इस उदाहरण पे गौर करेंगे। एक डीलर जो वस्तुओं, किन वस्तुओं, दो वस्तुओं पे डील कर रहा है, यानी व्यवसाय कर रहा है, वह क्या है? लैंप और टेबल। उसके पास निवेश करने के लिए 50,000 रुपए हैं और रखने के लिए केवल 60 वस्तुओं के लिए ही स्थान है। ठीक, एक टेबल की कीमत 2,500 है और एक लैंप की कीमत 500 रुपए है। उनका अनुमान है कि एक टेबल की बिक्री से वह 200 रुपए का लाभ कमा सकता है और एक लैंप की बिक्री से 150 रुपए का लाभ कमा सकता है। वह जानना चाहता है कि उसे उपलब्ध निवेश राशि, जो कि कितनी है, 50,000, इसे कितने लैंप और टेबल खरीदने चाहिए ताकि वह अपने सकल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट, सकल लाभ को अधिकतम कर सके, यह मानते हुए कि वह उन सभी वस्तुओं को बेच सकता है जो वह खरीदता है। तो गौर करेंगे, ये जो हमारी उदाहरण है, यानी ये जो हमारी समस्या है, वे क्या है? किसी एक उद्देश्य पे आधारित है। उद्देश्य क्या है? हमें जो लाभ है वह अधिकतम करना है। तो इसी प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो उपयुक्त मामले में दी गई हैं, इस उद्देश्य पे निर्भर करती हैं कि लाभ को अधिकतम करने के लिए। तो ऐसी समस्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? इष्टतम सुसंगत समस्याएं। ठीक, जिसे हम अंग्रेजी में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। अब रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, यानी LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक विशिष्ट प्रकार की इष्टतम सुसंगत समस्या है। ठीक, आगे देखते हैं इसका गणितीय सूत्रीकरण। अब गौर करेंगे इसके अंदर उदाहरण में, जो कि हमने अभी लिया था। मान लीजिए वह केवल लैम्प खरीदना, यानी हम क्या चाह रहे हैं कि वह केवल लैम्प खरीदना चुनता है, ना कि कॉर्नर टेबल
यानी हमने टेबल नहीं चुन रहा, यानी वो क्या देख रहा है, अलग अलग संभावनाएं देख रहा है जिसके अंदर उसको क्या मिलेगी, अधिकतम लाभ होगा। तो ये पहली संभावना, अपनी दी गई राशि, निवेश राशि आप जानते हैं अधिकतम कितनी है 50,000 के साथ वह 100 लैंप खरीद सकता है। बिल्कुल सही, 100 लैंप खरीद सकता है, परंतु वह कितने में बाध्य है, 60 लैंप। वह मजबूर है कि वह 60 लैंप ही खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकतम 60 वस्तुओं को रखने के लिए ही स्थान उपलब्ध है। तो यानी वह क्या करेगा, 60 लैंप ही खरीद सकता है। तो इसीलिए उसे कुल लाभ कितना अर्जित होगा, 9,000। क्यों, 60 गुणा में 150, तो 9,000 प्राप्त हुआ। ठीक, अब अगली संभावना को देखते हैं। इस दूसरे बिंदु में देखेंगे अन्य संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अगर वे 10 कॉर्नर टेबल लेता है और 50 आसन लैंप, ठीक, खरीदने पर इस मामले में उसे कुल लाभ कितना होगा, 9,500। गौर करेंगे, हमारे पहले लाभ से ज्यादा लाभ हुआ है। उसने 10 टेबल खरीदी और 50 लैंप खरीदे, एक टेबल पे मुनाफा 200 और एक लैंप पे मुनाफा 150। तो यानी कुल लाभ कितना हुआ, 9,500। तो यही सारी क्या है, अलग अलग संभावनाएं। तो अतः जो व्यापारी है विभिन्न चयन विधियों से अपनी धनराशि का निवेश कर सकता है और विभिन्न निवेश योजनाओं को अपनाकर विभिन्न लाभ कमा सकता है, जो कि क्या दर्शा रहा है, हमारा उद्देश्य। इसीलिए एक डीलर द्वारा खरीदे जाने वाले लैंप और टेबल क्या होंगे, तय करेंगे। क्या तय करेंगे, उनकी संख्याओं का अधिकतम लाभ। ध्यान देंगे, जितनी हमने संख्याएं खरीदी हैं वे हमेशा ऋणोत्तर रहेंगी। ठीक, और ये हमारा जो हल है, यानी जो अधिकतम लाभ आएगा वह क्या है, इष्टतम समाधान, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक, आगे देखते हैं इसका गणितीय सूत्रीकरण। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये हमें मिला z बराबर में 200x जमा में 150y, 5x जमा में y जो कि कम है या फिर बराबर है 100 के, x जमा y जो कि कम है या फिर बराबर है 60 के, और x एंड y हमारे क्या हैं, चर ऋणोत्तर। ठीक, जहां आप देखेंगे अब ये हमारे क्या दर्शा रहे हैं, गौर करेंगे, सबसे पहले ये वाला समीकरण क्या दर्शा रहा है, हमारा उद्देश्य कार्य। ठीक, इसे हम उद्देश्य फलन के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में आप इस चित्र में देख सकते हैं, इसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, जहां हमारा एक्स और वाई टेबल और लैंप की संख्या है जिसे डीलर ने खरीदा है, ये हमेशा क्या रहेंगी, संख्या है, तो ऋणोत्तर होता है। ठीक, इस एक्स एंड वाई को हम क्या कहते हैं, हम निर्णायक चर भी कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे डिसीजन वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब अगले बिंदु में देखेंगे, हमारे पास कुछ असमीकरण हैं, वे क्या थी, 5x जमा 5 जो कि कम है या बराबर 100 के, और x जमा y जो कि कम है या फिर बराबर है 60 के। ये क्या है हमारे, ये हमारे रैखिक व्यवरोध है। ठीक, जिसे हम लीनियर कंस्ट्रेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अब रैखिक प्रोग्रामिंग, ये सारे रैखिक व्यवरोध क्या है, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के चर पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हमने क्या लगाया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, देख सकते हैं। ठीक, 100 और 60 ये क्या है हमारे प्रतिबंध, किसके ऊपर, जो हमारे चर है। ठीक, इस प्रकार हमने क्या किया, अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को गणितीय किसमें, सूत्रीकरण कर दिया। ठीक, आइए अब अगला प्रश्न भी देखें। एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या वह समस्या है जो कि x और y जैसे कुछ अनेक चरों के एक रैखिक फलन का इष्टतम या फिर अनुकूलतम सुसंगत मान ज्ञात करने से संबंधित है। प्रतिबंध ये है कि चर ऋणोत्तर पूर्णांक हैं और ये रैखिक असमीकरणों के समुच्चय रैखिक व्यवरोधों को संतुष्ट करते हैं।
रैखिक पद से तात्पर्य हमें समस्या में सभी गणितीय संबंध रैखिक हैं, और जबकि प्रोग्रामिंग से तात्पर्य हमारा ये है कि विशेष प्रोग्राम या फिर क्रिया योजना ज्ञात करना है। गौर करेंगे, रैखिक प्रोग्रामिंग में हमें इस प्रकार के सदैव होंगी चीजें, वे क्या हैं? सबसे पहले उद्देश्य फलन हमारा होना अनिवार्य है। उद्देश्य फलन हमारा निर्णायक चर से बनेगा। हमारे पास कुछ व्यवरोध भी होंगे, वे कैसे होंगे? रैखिक व्यवरोध होंगे, और ये जो हमारे निर्णायक चर हैं, वे सदैव ही ऋणितर व्यवरोध भी हमारे पास मिलेगा। ठीक, इन सब से हमारा क्या बन रहा है? इष्टतम सुसंगत समस्याएं, जिसे हम विशिष्ट रूप में हमने लिया है, वे क्या है? रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। ठीक, आइए अब एक समस्या लेते हैं जिसे हमें क्या करना है, गणितीय सूत्रीकरण करना है। समस्या आपके सामने है, दो मजदूर ए और बी क्रमशः 200 रुपए और 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। ए प्रतिदिन 6 शर्ट और 4 पैंट सिलाई कर सकता है, जबकि बी प्रतिदिन 10 शर्ट और 4 पैंट सिलाई कर सकता है। कम से कम, गौर करेंगे, कम से कम 60 शर्ट और 32 पैंट सिलाई करने के लिए श्रम लागत कम करने के लिए रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या याद करें। तो याद रहे, आज हम हल नहीं देखेंगे, हम केवल रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का गणितीय सूत्रीकरण देखेंगे। ठीक, तो आइए इसका गणितीय रूप में लिखें इसे। तो सबसे पहले हमें निर्णायक चर देखने हैं, तो x एंड y ले लेते हैं। चूंकि श्रम लागत मजदूर कितने दिनों में शर्ट और पैंट सिलता है उसके ऊपर निर्भर करता है, तो x दिनों की संख्या है जिसमें a ने काम किया है, और y हमारी दिनों की संख्या है जिसके अंदर मजदूर b ने काम किया है। ठीक, तो हमें निर्णायक चर मिल गए। अगला हमें उद्देश्य फलन, उद्देश्य क्या है हमारा? न्यूनतम लागत मान, जैसे हमने z से दर्शाया है। तो z बराबर क्या होगा? 200x जमा में 150y। क्यों? हमें जानते हैं 200 और 150 क्या है, जितना एक दिन दोनों मजदूर क्रमशः ए और बी कमाते हैं। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है? रैखिक व्यवरोध। तो देखेंगे बाकी तथ्य और इन्फॉर्मेशन को अगर हम तालिका रूप में लिखें तो इस प्रकार पाएंगे। देख सकते हैं जो मजदूर ए है वह प्रतिदिन कितने शर्ट सिल सकता है? 6 और पैंट 4। ऐसे ही मजदूर बी प्रतिदिन शर्ट 10 सिल सकता है और 4 पैंट सिल सकता है। ठीक, कम से कम हमें कितनी चाहिए? 60 शर्ट चाहिए और 32 पैंट चाहिए। तो हम अगर गणित के रूप में लिखें तो वे क्या लिखेंगे? 6x जमा 10y क्या होना चाहिए? 60 से अधिक या फिर उसके बराबर। ये क्या दर्शा रहा है हमारा कि कुल कितनी हुई शर्ट बनी है। ठीक, तो कुल शर्टें कितनी होनी चाहिए? या तो 60 होनी चाहिए या 60 से ज्यादा, कम से कम दिया हुआ है। तो यानी हमारा गणित का जो रूप है, गणितीय रूप हमारा क्या बना? 6x जमा 10y 60 से अधिक या फिर उससे के बराबर। ऐसे ही हमारा दूसरी असमीका क्या बनी? 4x जमा 4y 32 से अधिक या फिर उसके बराबर। तो ये दोनों हमारे क्या दर्शा रहे हैं? रैखिक व्यवरोध। ठीक, आखिरी हमारे पास ऋणितर व्यवरोध, वे क्या हैं? x 0 से बड़ा है या फिर उसके बराबर, y 0 के से बड़ा है या उसके बराबर। ठीक, तो यानी हमारे पास क्या मिला गणितीय रूप में? ये बनी z बराबर में 200x जमा 150y, 6x जमा 10y 60 से अधिक या उसके बराबर, 4x जमा 4y 32 के अधिक या फिर उसके बराबर, और x 0 से अधिक उसके बराबर या y 0 से अधिक उसके बराबर। ठीक, एक और समस्या ले लेते हैं। तो आइए एक और समस्या लें। इधर देखेंगे आप क्या दिया हुआ है हमें, एक आहार में विटामिन ए की कम से कम 80 मात्रक और विटामिन बी की 100 मात्रक शामिल होनी चाहिए। मात्रक यानी इतनी इकाई, इतना यूनिट होना चाहिए। दो खाद्य पदार्थ F1 और F2 आपके पास उपलब्ध हैं। खाद्य F1 की लागत 5 रुपए प्रति मात्रक है और खाद्य F2 की लागत 6 रुपए प्रति मात्रक भोजन है, यानी पर यूनिट फूड है। ठीक,
फूड एवन की एक यूनिट में विटामिन ए की 3 मात्रक और विटामिन बी की 4 मात्रक होनी चाहिए और खाद्य एफ टू की एक इकाई मात्रक में विटामिन ए की 6 मात्रक और विटामिन बी की 3 मात्रक होनी चाहिए। इसे हमें क्या करना है, इस रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हमें तैयार करना है। तो आइए इसका गणितीय रूप देखें। सबसे पहले निर्णायक चर, तो x और y क्रमशः खाद्य F1 और खाद्य F2 के प्रति इकाई भोजन की लागत है, तो जाहिर है ये क्या होंगे, ऋणोत्तर, तो यानी हमें ऋणोत्तर व्यवरोध मिल गए। x और y शून्य से या तो अधिक होंगे या उसके बराबर। अब हमें लागत क्या करनी है, हमें लागत न्यूनतम करनी है, तो उद्देश्य हमें मिल गया z, वे क्या है 5x जमा 6y, ठीक, ये हमारा क्या बन गया उद्देश्य फलन। आखिरी अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें रैखिक व्यवरोध ज्ञात करनी है। तो बाकी की जो सारी हमारी तथ्य यानी इन्फॉर्मेशन है उसे तालिका रूप में लिख लेते हैं और उससे हमें क्या मिल जाएगा, रैखिक व्यवरोध, ठीक। गौर करेंगे इन्फॉर्मेशन को अगर आप तालिका में रखेंगे तो आपको बहुत ही प्रश्न जो है आपका है वह सरल रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास 2 विटामिन ए और बी, फूड F1 और F2 प्रति मात्रक फूड के अंदर यानी F1 के अंदर विटामिन ए कितना होना चाहिए 3 मात्रक और विटामिन बी कितना होना चाहिए 4 मात्रक। ऐसे ही F2 के अंदर 6 यूनिट होने चाहिए हमारी विटामिन ए और हमारी 3 यूनिट होनी चाहिए विटामिन बी, ठीक। कम से कम हमने देखा ही है 80 हमारा क्या होना चाहिए विटामिन ए और 100 यूनिट हमारी होनी चाहिए विटामिन बी। तो आइए आसान है क्या निकालने, रैखिक व्यवरोध, जैसे कि आप देख सकते हैं वे क्या बने 3x जमा 6y जो कि 80 से अधिक है या फिर उसके बराबर, यानी कुल हमारी विटामिन ए कितना होना चाहिए 80 या फिर 80 से ज़्यादा, तो यानी 3x जमा में 6y और किससे अधिक होना चाहिए 80 या फिर 80 से ज़्यादा, तो बन गया हमारा पहला रैखिक व्यवरोध। अब दूसरा देखेंगे 4x जमा 3y 100 से अधिक या फिर उसके बराबर, ये क्या दर्शा रहा है हमारा, विटामिन बी का इंटेक, ठीक है। तो वही चीज़ आ गई यहाँ हमारे पास 4x जमा 3y 100 से क्या है, इस 100 से अधिक होना चाहिए या फिर उसके बराबर, तो हमारे पास दोनों रैखिक व्यवरोध मिल गए। तो आइए देखें हमारी जो समस्या है गणित रूप में कैसे आ गई, देखेंगे ये हमारी बन गई, ये हमारा उद्देश्य फलन, ये क्या है z बराबर में 5x जमा 6y, ये हमारे बन गए रैखिक व्यवरोध 3x जमा 6y 80 से अधिक या फिर उसके बराबर, 4x जमा 3y 100 से अधिक या उसके बराबर, और ये हमारे ऋणोत्तर व्यवरोध x शून्य से अधिक उसके बराबर या y शून्य से अधिक उसके बराबर, ठीक। आइए अब अगली समस्या देखें, ये हमारी है उत्पादन संबंधी समस्या। अभी जो हमने पिछली समस्या की थी वह थी आहार समस्या, इसमें क्या बताया गया है, एक उत्पादन के कारखाने में 3 मशीनें 1, 2 और 3 लगी हैं, मशीनें 1 और 2 अधिकतम 12 घंटे तक चलाए जाने की क्षमता रखती हैं, जबकि मशीन 3 प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे चलना चाहिए। निर्माणकर्ता केवल 2 प्रकार के सामान M और N का उत्पादन करता है, जिसमें प्रत्येक के उत्पादन में 3 मशीनों की आवश्यकता होती है। M और N के प्रत्येक उत्पादन के 1 नग, कितने, 1 नग उत्पादन में 3 मशीनों के संगत लगे समय निम्नलिखित इस सारणी में आपको दिए हैं, वे क्या हैं, आप देख सकते हैं अगर हम 1 नग का उत्पादन करें तो मशीन 1 को M का 1 नग उत्पादन करने में 1 घंटा लगेगा, मशीन 2 को 2 घंटे और मशीन 3 को 1 घंटा, ऐसे ही N का उत्पादन करने में कितने, 1 नग का उत्पादन करने में मशीन 1 को 2 घंटे लगेंगे, मशीन 2 को 1 घंटे और मशीन 3 को 1 घंटे 25 मिनट लगेंगे, ठीक। तो आगे और क्या बता रहा है, वह उत्पादन M पर 600 रुपये प्रति नग और उत्पादन N पर 400 रुपये प्रति नग के दर से लाभ कमाती है। उद्देश्य आ गया, समझ पा रहे होंगे,
मानते हुए कि उसके सभी उत्पाद बिक जाते हैं जिनका उत्पाद किया गया है, तब ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक उत्पाद के कितने नगों का उत्पाद किया जाए जिससे लाभ अधिकतम हो सके। ठीक, यानी उद्देश्य मिल गया, हमें क्या करना है, जो लाभ है उसको अधिकतम करना है, यानी मैक्सिमम करना है। तो आइए देखें इसका गणितीय रूप। सबसे पहले मान लीजिए उत्पाद M और N के नगों की संख्या क्रमशः क्या है, X और Y, ये हमारे निर्णायक चर। ठीक, अब उद्देश्य फलन उत्पादन का कुल लाभ कितना होगा, 600X जमा में 400Y, इतना रुपए होगा। ठीक, और ये क्या दर्शा रहा है, हमारा उद्देश्य फल। प्रदत्त समस्या का गणितीय सूत्रबद्ध रूप हमारा इस प्रकार है, Z बराबर 600X जमा 400Y का अधिकतमीकरण किया जाना है, और ये हमारे बाकी क्या आ गए, रैखिक व्यवरोध। रैखिक व्यवरोध देखेंगे, पहली मशीन का व्यवरोध क्या था, प्रतिबंध हमारा कि वो 12 घंटे, अधिकतम 12 घंटे चलने चाहिए, तो वे क्या बना, X जमा 2Y 12 से कम या फिर उसके बराबर। ठीक, फिर मशीन दो, वे भी अधिकतम 12 घंटे चलनी चाहिए, तो यानी या तो उससे कम चलेगी या फिर उसके बराबर, उससे ज्यादा नहीं चल सकती। तो हमारा अगला व्यवरोध क्या बना, 2x जमा में y 12 से कम या फिर उसके बराबर। तीसरी मशीन पे प्रतिबंध क्या था, कि वह कम से कम 5 घंटे चलनी चाहिए, तो ध्यान देंगे तो जो हमारी कुल मशीन कितना समय चलनी चाहिए, 5 घंटे से अधिक या फिर उसके बराबर। तो हमारा रैखिक जो व्यवरोध है मशीन तीन के लिए, वे क्या बना, x जमा 5/4 y 5 से अधिक या फिर उसके बराबर। गौर करेंगे, बटे के रूप में लिखा है हमने किसको, 1.25 को, क्या था वो, 1 घंटा 25 मिनट, तो 1 घंटा 25 मिनट को हमने बटे के रूप में क्या लिख सकते हैं, 5/4। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, ऋणोत्तर व्यवरोध, वे तो हमारे पास है ही, वे क्या आ गया, x शून्य से बड़े या फिर उसके बराबर, y शून्य से बड़े या फिर उसके बराबर। ठीक, तो यही हमारा क्या दर्शा रहा है, गणितीय सूत्रबद्ध, ये हमारी क्या दर्शा रहा है, समस्या का गणितीय रूप। ठीक, तो आशा करते हैं आपको इस सत्र में समझ आया होगा, आनंद आया होगा। धन्यवाद।